लेकिन अभी तक सरकार हम लोग को एक कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। यदि सरकार आज हमें ऐलान कर देते हैं कि हम आप लोग का मांग को मान लिए हैं, तो अभी हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये जो आशा कर्मी है, ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, लेकिन इनको बहुत कम मानदेय 1000 दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है, बहुत दिन से लंबित है मानदेय। नमस्कार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऋषिका। नीतीश तेजस्वी, खोलो कान नहीं तो होगा चक्का जाम। ये हम नहीं, ये पिछले एक महीने से प्रदर्शन कर रही आशा कार्यकर्ता का कहना है। इसी नारे के साथ अब वो सरकार को चेतावनी दे रही है। आपको बता दें कि अगर अब भी उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तब वो चक्का जाम करेंगी। ये पूरा मामला जहानाबाद का है। आशा कार्यकर्ता ने प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया और आशा कर्मियों ने वहां जमकर नारा लगाया, नीतीश तेजस्वी खोलो कान नहीं तो होगा चक्का जाम। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव के दौरान आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐलान किया गया कि अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले दिनों में आशा कार्यकर्ता चक्का जाम करेंगी। आपको पहले दिखाते हैं आशा कार्यकर्ताओं का क्या कहना है। हम लोग को आज एक महीना दो दिन हो गया है हड़ताल की हुए, 12 जुलाई से हम लोग हड़ताल पर हैं। आशा बहन और आशा फैसिलेटर बहन, पूरे बिहार में ये हड़ताल चल रहा है, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग को एक कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं। और हम लोग का मांग है कि हमें पहले 10,000 रुपया मानदेय करें, सरकारी कर्मचारी घोषित करें, हमें रिटायरमेंट भत्ता दें और हमें पेंशन भी लागू करें। यदि सरकार आज हमें ऐलान कर देते हैं कि हम आप लोग का मांग को मान लिए हैं, तो अभी हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक सरकार हम लोग को नहीं बात को मानते हैं, हमारा मांग 9 सूत्री मांग है उसमें से नहीं मानते हैं, तो अभी हम लोग अपना हड़ताल तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक हमारा हक और अधिकार नहीं मिलेगा हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इसे लेकर आज क्या कर रहे हैं आप लोग? ये लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम साहब का घेराव कर रहे हैं कि आप मेरी बात को, हमारी जो मांग है जो स्टेट में आप भेजिए, मुख्यमंत्री जी नीतीश जी से हमारा मांग को दिलवाइए। पूरे राज्य में आशा कर्मियों का हड़ताल 12 जुलाई से चल रहा है, लेकिन इस हड़ताल पर सरकार के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। ये जो आशा कर्मी है, ये स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है, लेकिन इनको बहुत कम मानदेय 1000 दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जा रहा है, बहुत दिन से लंबित है मानदेय। तो इसके समर्थन में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपुर जिला शाखा जहानाबाद के द्वारा आज एक एकजुटता प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रदर्शन के माध्यम से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं 9 सूत्री मांगों को लेकर, और प्रदर्शन को लेकर हम लोग जिलाधिकारी जहानाबाद के पास जा रहे हैं। कहां से निकाले हैं प्रदर्शन, कहां तक जाएगा प्रदर्शन? अस्पताल मोड़ से हम निकाले हैं, ये समाहरणालय तक जाएगा, और जिलाधिकारी से मिलकर हम लोग मुख्यमंत्री के नाम, स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। काफी दिनों से आप लोग हड़ताल पे हैं, उसके बावजूद भी नीतीश, अगला नीति क्या होगा? अगला निर्णय, हम लोग हड़ताल पर है ही, इसके अगला निर्णय होगा कि इस हड़ताल को और जोरदार ढंग से हम लोग लागू करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को ठप करेंगे। तो जैसा कि आपने आशा कार्यकर्ताओं को सुना, उनका कहना है कि अगर अभी सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो चक्का जाम करेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। खबर देखने के लिए शुक्रिया।